25 जून 1975 की है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अरुण जेटली अपने नारायणा वाले घर के आंगन में सोए हुए थे। बाहर कुछ आवाज हुई तो वो जाग गए। उन्होंने देखा कि उनके पिता कुछ पुलिस वालों से बहस कर रहे थे। ये पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने आए थे। ये देखते ही अरुण अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आए। वो रात उन्होंने उसी मोहल्ले में अपने दोस्त के यहाँ बिताई। अगले दिन उन्होंने सुबह 10:30 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के करीब 200 छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने जमा किया। वहाँ जेटली ने एक भाषण दिया और उन लोगों ने इंदिरा गांधी का एक पुतला जलाया। थोड़ी देर में DIG PS भिंडर के नेतृत्व में पुलिस वालों ने इलाके को घेर लिया और अरुण जेटली गिरफ्तार कर लिए गए। तिहाड़ जेल में अरुण जेटली को उसी सेल में रखा गया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और KR मलकानी के अलावा 11 और राजनैतिक कैदी रह रहे थे। इसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। जेटली को जानने वाले बताते हैं कि सियासी करियर का आगाज एक तरह से विश्वविद्यालय कैंपस में न होकर तिहाड़ जेल की कोठरी में हुआ था। रिहा होते ही उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि अब राजनीति ही उनका करियर होने जा रहा है। अरुण जेटली ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल और मशहूर कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की। उस जमाने में जेटली के बाल लंबे लंबे हुआ करते थे और वो बीटल्स वाले जॉन लेनन के अंदाज में नजर का चश्मा पहनते थे। उनके चश्मे के शीशे की बनावट गोल हुआ करती थी। कुछ लोग उसे गांधी गॉगल्स कहकर भी पुकारते थे। अरुण जेटली के बारे में उनके कॉलेज के साथी बताते हैं कि अरुण की शक्ल ठीक ठाक हुआ करती थी। लड़कियां उनको नोटिस करती थी लेकिन अरुण उन्हें घास नहीं डालते थे क्योंकि वो बेहद शर्मीले थे। स्टेज पर तो वो घंटों बोल सकते थे लेकिन स्टेज से उतरते ही वो एक शेल में चले जाते थे। बताते हैं कि अरुण जेटली को फिल्में देखने का बहुत शौक था। पड़ोसन उनकी फेवरेट फिल्म थी जिसे उन्होंने बहुत बार देखा था। वो कई बार फिल्मों के डायलॉग बोलते सुने जाते। वो देवानंद के दीवाने थे। जॉनी मेरा नाम में देवानंद ने किस रंग की कमीज पहन रखी थी ये तक अरुण जेटली को याद रहता था। अटल बिहारी वाजपेयी अरुण जेटली को 1977 का चुनाव लड़ाना चाहते थे। इसी साल जब जनता पार्टी बनी तो जेटली को उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा गया लेकिन वो 1977 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सके। दरअसल उनकी उम्र चुनाव लड़ने की न्यूनतम सीमा से एक साल कम थी। वैसे भी जेल में रहने के कारण उनका पढ़ाई का एक साल खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी कानून की डिग्री पूरी करने का फैसला किया। नाचना न जानते हुए भी जेटली दोस्तों का दिल रखने के लिए डिस्को तक जाते थे। छात्र राजनीति में आने से पहले अरुण और उनके दोस्त दिल्ली की एकमात्र डिस्कोथेक सेलर में जाया करते थे लेकिन उनका डिस्कोथेक जाना नाम भर का ही होता था क्योंकि उन्हें नाचना बिल्कुल नहीं आता था। उन्हें ड्राइविंग करना भी कभी नहीं आया। जब तक उनकी ड्राइवर रखने की हैसियत नहीं हुई उनकी पत्नी संगीता ही उनकी कार चलाती थी। अरुण जेटली की शादी संगीता डोगरा से हुई जो कांग्रेस के बड़े नेता गिरधारी लाल डोगरा की बेटी है। गिरधारी लाल डोगरा दो बार जम्मू से सांसद और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी रहे थे। जेटली और संगीता की शादी में अटल बिहारी वाजपेयी और बताते हैं कि उन्हें महंगी चीजें खरीदने का शौक था। उन्होंने उस समय पटेक फिलिप घड़ी खरीदी थी जबकि ज्यादातर भारतीय ओमेगा के आगे सोच नहीं पाते थे। वही मोबला कलम का नया एडिशन सबसे पहले खरीदने वालों में अरुण जेटली भी हुआ करते थे। बताते हैं कि वो लंदन में बनी बेस्पोक कमीजें और हाथ से बनाए गए जॉन लॉब के जूते ही पहनते थे। वो हमेशा जियोफ ट्रम्पर्स की शेविंग क्रीम और ब्रश इस्तेमाल करते रहे। अरुण जेटली अच्छे खाने के हमेशा शौकीन रहे। जेटली के जीवन का मूल मंत्र था चंगा खाना ते चंगा पाना, यानी अच्छा खाना और अच्छा पहनना। दिल्ली के सबसे पुराने क्लबों में से एक रोशन आरा क्लब का खाना उन्हें बहुत पसंद था। कनॉट प्लेस के मशहूर क्वालिटी रेस्तरां के चने भटूरों के वे ताउम्र मुरीद रहे। वो पुरानी दिल्ली की स्वादिष्ट जलेबियां, कचौड़ी और रबड़ी फालूदा खाते हुए बड़े हुए लेकिन जैसे ही ये पता चला कि उन्हें मधुमेह है उनके ये सारे शौक जाते रहे और उनका भोजन मात्र एक रोटी और शाकाहारी खाने तक सिमट कर रह गया।